धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कभी एकांत में बैठकर अपने आप से ये पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जीवन की मांग क्या है और मैं क्या खोज रहा हूँ? जो मैं चाहता हूँ उसे पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? और जो मैं खोजता हूँ वह मिलेगा कहाँ? क्योंकि यह नियम है, जो वस्तु जहाँ होगी वहीं मिलेगी, जहाँ है नहीं वहाँ हम कितना भी खोजते रहें मिलेगी नहीं। और हमारी भूल यही है, जो हम चाहते हैं उसको वहाँ पर खोज रहे हैं जहाँ है नहीं। हमारी इसी भूल को देखकर सद्गुरु कबीर को कहना पड़ा, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जाने। जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ आदमी ने सब कुछ मान लिया है। ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो है नहीं। पहली बात तो यही, आदमी को पता नहीं कि आदमी चाहता क्या है। वो कौन सी चीज है जिसके मिल जाने पर, प्राप्त हो जाने पर हमारी सारी चाहनाएं पूरी हो जाए, मन की भूख, मन की जलन शांत होकर मन तृप्ति और शीतलता का अनुभव करने लगे। वैसे पूछे लोगों से कि आप क्या चाहते हैं, तो उत्तर अलग अलग मिलेगा। कोई कहेगा कि मैं धन चाहता हूँ, धन मिल जाए बस सुखी हो जाऊंगा। कोई कहेगा कि मैं पुत्र चाहता हूँ। जिस युवक की शादी नहीं हुई है वो कहेगा कि मैं पत्नी चाहता हूँ। जिन लड़कियों शादी नहीं करते वो तो मैं पति चाहती हूँ। कोई कहेगा कि मैं खूब विद्वान बनना चाहता हूँ। कोई कहेगा कि मुझे बड़ा पद चाहिए, बड़ी नौकरी चाहिए। और कोई कहेगा मुझे सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल परमात्मा चाहिए। ठीक है, इन सारी वस्तुओं की चाहना करना गलत नहीं है, किंतु प्रश्न यह है आप धन क्यों चाहते हो, पत्नी क्यों चाहते हो, पति क्यों चाहते हो, विद्या क्यों चाहते हो, नौकरी क्यों चाहते हो, और अंत में आप परमात्मा क्यों चाहते हो? धन पाना उद्देश्य नहीं है। शादी करके पत्नी पा जाना या पति पा जाना ये उद्देश्य नहीं है। पढ़ लिख करके विद्वान बन जाना, नौकरी कर लेना यह भी उद्देश्य नहीं है।
भगवान पा जाना ये भी उद्देश्य नहीं है। कल्पना करो आपको भगवान मिल जाए और भगवान मिलने के साथ ही आपका दुख बढ़ जाए, आपकी चिंता बढ़ जाए, मन की बेचैनी बढ़ जाए और मन एकदम भीतर से अशांत होकर के जलने लग जाए, तब आप कहोगे इतने अच्छा तो ये था भगवान न मिला होता। धन पद प्रतिष्ठा नौकरी विद्या पति पत्नी देवी देवता भगवान चाहते हैं केवल मन की शांति के लिए, मन के सुख के लिए। हर आदमी दुखी है, और वह अपने आप को दुखों से बचाना चाहता, दुख से छूटना चाहता है, सोचता है कि जब सुख मिल जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। दुखी आदमी ही सुख खोजता है, जो सुखी होगा वो सुख नहीं खोजेगा। जब आदमी को भूख का दुख होता है तब वह भोजन की तलाश करता, भोजन खोजता है। प्यास का दुख होता है तब वह पानी खोजता है। रोग का दुख होता है तो वह डॉक्टर खोजता है या दवाई खोजता है। जिस आदमी को भूख लगी ही ना हो, पेट पूरा भरा हो, खट्टी डकार आ रही हो, वो भोजन की तलाश क्यों करेगा? प्यास लगी ही ना हो तो पानी क्यों खोजेगा? शरीर में कोई रोग ही नहीं है तो डॉक्टर और दवाई क्यों खोजेगा? हम डॉक्टर खोज रहे हैं इसका मतलब हमारे शरीर में रोग है। हम वकीलों के पीछे घूम रहे हैं इसका मतलब झगड़े का दुख है। झगड़े का दुख ना होता, विवाद का दुख ना होता तो वकील और जज के पीछे क्यों पड़े होते? ऐसे ही यदि जीवन में दुख ही ना होता तो सुख क्यों खोजते, परमात्मा क्यों खोजते? बंधन का दुख ना होता तो मोक्ष क्यों खोजते? तलाश है केवल सुख शांति और मोक्ष की, और सुख शांति मोक्ष अलग अलग नहीं है, एक ही है बस। हर आदमी सुख खोज रहा है। सोचें कि जब से होश संभाले तब से सुख खोज रहे हैं, कितना सुख मिला है आपको? और जो सुख मिला है उससे आपकी तृप्ति हुई है, हमारी तृप्ति हुई है? अब मुझे सुख नहीं चाहिए ऐसा समझकर क्या सुख खोजना बंद हो गया है? सुख तो खोज रहे हैं लेकिन सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। काम कर रहे हैं सुख पाने के लिए, अनुभव हो रहा है दुख का। खोज रहे हैं सुख, अनुभव हो रहा है दुख का। क्यों? क्या सुख कहीं है नहीं? है, लेकिन हमारी दिशा गलत है खोजने की। जो है नहीं वो मिले, उचित वहां मिलेगी कैसे? आदमी को सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वैसे तो भूत प्रेत का भ्रम है,
जादू टोने का भ्रम है, मंत्र तंत्र का भ्रम है, ग्रह लगन का भ्रम है, राहु योगनी और चुड़ैल और टोनही का भ्रम है, देवी देवताओं का भ्रम है, भगवान भगवती का भ्रम है। इतना भ्रम, इतना भ्रम के हद है भ्रम। लेकिन ये सारे भ्रम छोटे हैं बड़े भ्रम के सामने। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा है, भ्रम हिंडोला झूले सब जग आए। भ्रम के हिंडोले पर, हिंडोला झूला, भ्रम के झूले पर, भ्रम के हिंडोले पर पूरा संसार झूल रहा है। संसार मतलब संसार के लोग झूल रहे हैं, हर आदमी झूल रहा, हर आदमी झूल रहा है, और झूलने वाला स्थिर नहीं होता। झूला का काम है स्थिर न रहना, और जो झूले में झूल रहा है वो स्थिर कहां होगा? और स्थिर ही नहीं है तो सुख का अनुभव कैसे होगा? हिंडोला किसका, झूला किसका है? भ्रम का। तो सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कि मेरे सुख का केंद्र मुझसे अलग कहीं बाहर है, और इसी भ्रम से सारे भ्रम खड़े होते हैं। अब सुख का केंद्र बाहर है तो बाहर क्या हो सकता है? एक है इंद्रियों से ग्राह्य, जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, इंद्रियों से पकड़ सकते हैं, इंद्रियों से अनुभव करते हैं, और एक है इंद्रियों से अग्राह्य, जिसकी हम केवल कल्पना करते हैं। ग्राह्य क्या है? इंद्रियों से प्राणी और पदार्थ। दुनिया के भोग आंख से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध ग्रहण करते हैं, जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं, और त्वचा से ठंडी गर्मी कठिन कोमल आदि का स्पर्श करते हैं। अनेक सुंदर से सुंदर रूप देखा, सिनेमा देखने गए और देख करके निकले, कह यार आज सिनेमा देखा बड़ा आनंद आया, आंखें अब तृप्त हो गई, अब इच्छा मिट गई, क्या अब देखने की आवश्यकता नहीं है? सुख देखा आंखों से, वो सुख कितना है आपके पास, कितना बटोरा? एक से एक सुंदर गीत सुने, कानों को तृप्ति हुई? एक से एक व्यंजन खाए, क्या अब खाने की इच्छा मिट गई, अब व्यंजन देखकर मन ललचाता नहीं है? ये जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें दुनिया के सारे प्राणी पदार्थ आ जाते हैं, केवल निर्वाह के लिए है, सेवा के लिए है। यदि दुनिया के भोगों में सुख होता तो दुनिया का एक भी आदमी दुखी ना होता। सबके सब एकदम तृप्त हो गए होते, सब तृप्त हो गए होते। क्या तृप्ति का अनुभव हो रहा है? जब से होश संभाले हैं, दुनिया के प्राणी पदार्थों पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत कुछ पाए, बहुत कुछ पाए, तृप्ति कितनी, सुख कितना मिला बाहर दुनिया के भोगों में, चाहे वो भोग कुछ भी नाम ले लो, ये भोग वो भोग कहने की बात नहीं है। भोग का मतलब जो हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, कान से सुनते हैं गीत तो कान का भोग है, आंख से देखते हैं रूप तो वो आंख का भोग है, जीभ से स्वाद लेते हैं खट्टे मीठे का तो जीभ का भोग है। तो इंद्रियों से जो कुछ भी पकड़ने में आता है सब भोग है,
और अनेक प्रकार के भोगों को भोगते रहे, सुख मिला, लेकिन क्या वे भ्रम कटा? अभी भी वही का वही भ्रम है। शरीर निर्वाह लेना है, इसलिए आंख से देखना होगा, कान से सुनना होगा, जीभ से खाना होगा, गंध सुगंध का ज्ञान भी होगा, कठिन कोमल ठंडी गर्मी आदि का स्पर्श भी होगा। तो ये जीवन निर्वाह के साधन हैं, और इनमें भी जितना हम संयम रखेंगे उतना हम सुखी होंगे। देखना है, लड़चा करके मत देखो, सुंदर मान करके मत देखो। अमुक युवक, एक युवक पुरुष है, युवतियों को देखता है, बड़ा सुंदर रूप, ललचा कर देखोगे, उत्तेजना आएगी मन में, चंचलता आएगी मन में, विकार आएगा मन में, संस्कार खराब होगा। खाना है, ललचा करके मत खाओ, ललचा करके खाओगे तो गलत खाओगे, ज्यादा खाओगे, बेटाइम खाओगे, शरीर में रोग बुलाओगे। देखना है, देखो व्यवहार के लिए, सुनना है, सुनो केवल व्यवहार के लिए, खाना है, खाओ जीवन निर्वाह के लिए। खाना हमारी मजबूरी है, खाना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बिना खाए हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए जीना है तो खाना पड़ेगा, किंतु जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जी रहे हैं। किसी एक विद्वान ने लिखा है, बात थोड़ी कड़वी है, जो जीने के लिए खाता है, क्योंकि खाए बिना जिएंगे नहीं, तो जो जीने के लिए खाता है वो इंसान है, आदमी है, और जो खाने के लिए जीता है वो जानवर है। अब कैसे करना, क्या कहलाना है, मर्जी आपकी। जब जीने के लिए खाओगे तो गलत चीज नहीं खाओगे, जीने के लिए खाओगे तो गुटखा तो नहीं खाओगे, तंबाकू को तो नहीं खाओगे, जीने के लिए पियोगे तो शराब तो नहीं पियोगे। तो जीने के लिए जब खाओगे तो गलत चीज नहीं खाओगे, ज्यादा नहीं खाओगे, उतना ही खाओगे जितने से पेट भर जाए, शरीर को उपयोगी हो। एक याद रखना, जो जीने के लिए खाएगा वह अपने भोजन को सिर्फ दवा समझ करके खाएगा। बात बहुत सरल है, बहुत साधारण बात है, याद रखना। हम लोग साधु हो गए हैं ना, घर छोड़ करके साधु होना बहुत सरल है, एक बार में घर छोड़ता है, खाना जिंदगी भर है। साधु होकर के सिर्फ उतना खाना जितना से पेट भर जाए बहुत कठिन है, जिंदगी भर खाना है। घर क्या, एक बार छोड़ दिए, घर छूट गया, और खाना तो रोज रोज है। साधु बाबा, आप लोगों के यहाँ साधु बाबा जाते हैं, क्योंकि आपको आपके मन में निष्ठा है, भक्ति है, श्रद्धा है, भावना है, आप सेवा करते हैं। आप सोते हैं हमारे यहाँ महात्मा लोग आए हैं, गुरु जी आए हैं, साहब लोग आए हैं, आज खीर बनाओ, बड़ा बनाओ, और बाबा जी बैठे तो दठे बड़ा खा गए स्वाद के, हो गया खाना साधना। तो ये बहुत कठिन है, तो इसलिए सदैव, चाहे आप चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, भोजन खाओ तो सिर्फ दवा समझ करके खाओ। रोग लगता है ना शरीर में, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवा देता है, दवा सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, कड़वी भी होती है, कसैली भी होती है, तीखी भी होती है, मीठी भी होती है, लेकिन हम कभी नहीं सोचते
ये दवा सस्ती है इसे ज़्यादा खाऊंगा या कम खाऊंगा, ये दवा महंगी है इसे कम खाऊं ज़्यादा खाऊं, ये दवा बड़ी मीठी है इसे तो मैं 4 चम्मच पीऊँ, भले डॉक्टर ने 1 चम्मच पीने को कहा है, ये दवा बहुत कड़वी इसे तो आधी गोली खाऊंगा, क्या होगा? रोग बढ़ेगा। तो दवा चाहे सस्ती हो, महंगी हो, कड़वी हो, कसैली हो, मीठी हो, उतना ही खाते हैं जितना खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है। भोजन सिर्फ दवा है, कड़वी हो मीठी हो उतना ही खाओ जितने से पेट भर जाएगा, बस स्वस्थ रहोगे। सोचना भी है, करना भी, हर बात में। एक बात याद आ गई, जीवन हम सब जी रहे हैं और जीवन हम सुख भी चाहते हैं। जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने का बढ़िया तरीका का हर आदमी कहेगा कि अपने जीवन को मैं बढ़िया ढंग से जी रहा हूं, लेकिन जीवन जीने का बढ़िया तरीका कौन और शांत आदमी कौन, किसे माना जाए कि जीवन बढ़िया जी रहे हैं? एक विद्वान ने लिखा है, यदि जो आप जीवन जी रहे हैं आपको किसी डॉक्टर और वकील के पीछे न घूमना पड़े, आपको किसी डॉक्टर और वकील की खोज न करना पड़े और पुलिस को आपकी खोज न करना पड़े, समझना जीवन बहुत बढ़िया जी रहे हैं। डॉक्टर पीछे कब खोजोगे? डॉक्टर की तलाश कब खोलोगे? जब गलत खा लोगे। वकील की खोज कब करोगे? जब लड़ाई झगड़ा करोगे। और पुलिस आपको कब खोजेगी? जब गलत काम करोगे। तो जीवन ऐसा जियो कि आपको डॉक्टर और वकील की खोज ना करना पड़े और पुलिस को आपकी खोज ना करना पड़े, बड़े सुखी रहोगे। बात छोटी सी है लेकिन सारा रहस्य समाया हुआ है। मैं ये कह रहा था कि हम सुख खोजते हैं, बाहर खोजते हैं प्राणी पदार्थों में, जब यहां नहीं मिलता तब हम सोचते हैं हमारा सुख का केंद्र ऊपर होगा, आकाश में कहीं पर, वहां पुकारते हैं। किंतु जो ऊपर पुकारते हैं वो हमारे मन की भावना है, हमारे मन की कल्पना है। प्राणी और पदार्थों के संबंध से जीवन का निर्वाह होगा, इसलिए काम करें चीजें मिलती जाएगी, लोगों से प्रेम का व्यवहार करें जीवन बढ़िया बढ़िया बनेगा, और मन से कल्पनाएं छोड़ दें, शांति से जीवन जियोगे। हम भ्रम में जी रहे हैं, हमारा सुख बाहर, सुख बाहर नहीं है, सुख है मन की निर्मलता में, सुख है अच्छे विचारों में, सुख है संतोष में। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतोष संतोष सुख है, रहुत हृदय जुड़ा है, ऐ संतों संतोष में सुख है, संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारा जलता हुआ हृदय शीतल हो जाएगा। संतोष का मतलब निकम्मा होना नहीं है, संतोष का मतलब होता है प्राप्त समय शक्ति योग्यता के अनुसार भरपूर परिश्रम करना और उस परिश्रम से जो मिले उसको बहुत समझना। संतोष का मतलब होता है दूसरे की चीजों को देख करके न ललचाना। यदि हमारे मन में लालच है उसका ऐसा मकान, ललचा गए मकान बड़ा हो गया, हम छोटे हो गए, उसकी ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती, गाड़ी बड़ी हो गई हम छोटे हो गए, उसके बाद इतना रुपया, ललचा गए रुपये बड़े हो गए हम छोटे हो गए, उसका इतना बड़ा मठ हमारा वैसे मठ हो जाता, मठ बड़ा हो गया हम छोटे हो गए, उसकी ऐसी पूजा हुई हमारी पूजा ऐसे होती, पूजा बड़ी हो गई हम छोटे हो गए, अपने को बेच दिए। ललचाने वाला आदमी हर जगह अपने को बेचता रहता है, और जो अपने को बेच रहा है वो सुखी जीवन कैसे जिएगा?
अपने को बेचे ना, और अब तक अपने को बेचते ही आए हैं। रूप देख करके ललचाए, पैसा देकर ललचाए, गहने देकर के ललचाए, कपड़े देकर के ललचाए, किसी के घरद्वार लेकर ललचाए, पराई बहू बेटी को देकर के ललचाए, पराई पुरुष को देकर के ललचाए, किसी के मर्द देकर के ललचाए, ललचाते ललचाते जीवन जिए हैं। ये ललचाना ही हमारे और आपके दुखों का कारण है, ये ललचाना ही जी की जलन का कारण है, ये ललचाना ही मन के तनाव का कारण है, मन की पीड़ा का कारण है, ये ललचाना ही मन के रोग का कारण है। काम करें, जो मिले उसका आनंद ले, ललचाना बंद, क्यों दुख होगा। साहब कहते हैं संतोष संतोष सुखे रहो हृदय जुड़ाए, ऐ संतो संतोष में सुख है, संतुष्ट हो जाओ तो जलता हुआ हृदय शीतल हो जाएगा। और संतोष प्राणी पदार्थों से नहीं होगा, अच्छे विचारों से होगा, लेकिन हमारे भीतर अच्छे विचार कम हैं, हम अच्छी बातें कम सोचते हैं, ज्यादातर हम सोचते हैं गलत बातें, और गलत बात किसी ने कह दी है उस गलत बात को हम मजबूती से पकड़ लेते हैं। हम पानी पीते हैं, जो पानी हम पी रहे हैं ये पिया हुआ पानी 4-6 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, मूत्र के रूप में शोधन पश्चात निकल जाना चाहिए, तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। किसी आदमी से पूछो बता देगा, हाँ कि हम जो पानी पी रहे हैं ये पानी 4-6 घंटे के अंदर ना हमारे शरीर से निकल जाना चाहिए। जो भोजन हम खा रहे हैं ये भोजन 6-8 घंटे के अंदर अंदर या 10 घंटे के अंदर अंदर पच करके मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, तब हम स्वस्थ रहेंगे हमारा और हम बीमारी से बचे रहेंगे। हर आदमी जानता है, जरा सोचें, पिया हुआ पानी शरीर से बाहर न निकले तो क्या होगा, खाया हुआ भोजन पच करके मल के रूप में शरीर से बाहर न निकले तो क्या होगा। जो सांस हम ले रहे हैं ये सांस कुछ सेकंड के पश्चात हम फिर बाहर ना निकले तो क्या होगा। जो हम सांस ले रहे हैं कुछ सेकंडों के भीतर बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा रुक गए तो फिर आदमी की जीवन लीला समाप्त। तो खाया हुआ पानी 4-6 घंटों के अंदर बाहर निकलना चाहिए, नहीं पिया हुआ पानी 4-6 घंटे के बाहर निकलना चाहिए, खाया हुआ भोजन 4-8 घंटों में निकलना चाहिए, लिया हुआ सांस कुछ सेकंडों के भीतर भीतर बाहर निकलना चाहिए, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम जीवित रहेंगे। क्या ये पता है, किसी ने जो गलत बात हमें कह दी है, हमें गाली दे दी है, कटु कह दिया हमें है, हमारे लिए गलत विचार किया है, वो बात हमारे मन से निकल जाना चाहिए तब हमारा मन स्वस्थ रहेगा, ये पता है। पता नहीं है, अब पता है भी हम निकाल नहीं पाते। किसी ने कह दिया है, कोई गाली दे दिया, कटु बात कह दिया, समाज अपमान कर दिया, 2 दिन हो गए, 2 सप्ताह हो गए, 2 महीना हो गए, 2 साल का 10 साल हो गए, अभी भी वो बात बाहर नहीं निकल रही, दुख का कारण यह है। उन्होंने हमें ऐसा कहा था, 2 दिन पहले कहा था, 2 साल पहले कहा था, 10 साल पहले कहा था, मन से निकालने का प्रयास नहीं करते, ये बात निकलनी चाहिए हम सोचते नहीं हैं, यही दुख का कारण है, यही चिंता का, तनाव का, मानसिक व्याधियों का कारण है। तन से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रयास करके पिए पानी को निकालना होगा, तन से स्वस्थ रहना है तो खाए हुए भोजन को जिस किसी प्रकार से शरीर से बाहर निकालना होगा, सांस तो अपने आप निकल जाती है, इसी प्रकार से मन के दुख से मुक्त होना चाहते हैं, मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट, मानसिक जलन, तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो जो गलत बातें अंदर चली गई है उसे जिस किसी प्रकार से हमें मन से बाहर निकालना ही होगा। और इसी के लिए
सत्संग की साधु संगति की आवश्यकता होती है। किंतु होता क्या है, अच्छी बातें हमारे मन से बहुत जल्दी निकल जाती है, अच्छी बातें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कल श्री शोभा सारंग साहब जी की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, अनेक संतों ने अपने अपने श्रद्धांजलि व्यक्त की। अभी एक वैसे प्रवचन चल रहा है, अनेक संतों ने अपने अपने बातें कही। हम पूछे कि बताओ कितने क्या क्या कहे, सारे बताओ साहब। अरे साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छी बातें बताई, लेकिन अच्छी अच्छी क्या क्या बातें बताई, भूल गए। बातें अच्छी बताएगी, अभी घंटा भर नहीं हुआ है, दो घंटा भी नहीं हुआ है, किस संत ने कौन संत किस विषय पर बोले पूछने के, तो बड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपकी सास ने, बहू ने दो महीना पहले, दो साल पहले कही है ना, वो बात अभी भी याद होगी। ये बहने हैं, जब शादी हो करके, शादी होने पर जब बहू बनकर घर में आए थे ना, पहली बार तुम्हारे सास ने क्या कहा है, 50 साल बूढ़ी हो गई, अभी भी मालूम होगा वो, इनको भी मालूम होगा, हमें भी मालूम है। तो गलत बातें हमारे मन से बहुत जल्दी निकल जाती है, जल्दी निकलती ही नहीं है, अच्छी बातें निकलती है, दुख का कारण यही है। कम से कम दुनिया के मोह माया का त्याग नहीं कर सकते, कोई त्याग मोह माया का त्याग घर छोड़ छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। सुखी रहना है तो काम पूरा करो, जो जिम्मेदारी है जिम्मेदारी का निर्वाह भी पूरा करो, किंतु लोभ और मोह छोड़ करके काम करो, जो काम करना है सेवा समझ करके काम करो। कल मैंने कहा था, अधिकार पाने के लिए काम मत करो, अधिकार मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा, अधिकार मिलेगा तब मैं यहां रहूंगा, उसके लिए तो नेता लोग ही पर्याप्त है। ये सोचे मुझे सेवा करना है, चाहे घर में रहो, समाज में रहो, मठ में रहो, सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ, बस सेवा के लिए ही काम करना है। और जब हम किसी भी काम को सेवा समझ करके करते हैं तो काम काम नहीं रह जाता, काम पूजा बन जाता है, और पूजा का परिणाम हो जाता है चित्त की शुद्धि, मन की निर्मलता। और जिसका चित्त ही शुद्ध है, मन ही निर्मल है, वो दुखी जीवन कैसे जिएगा, दुख अनुभव कैसे करेगा। अधिकार की लालसा छोड़ें, स्वार्थ की भावना छोड़ें, लोभ लोभ लालच छोड़ें, फिर उसी घर में आपको अधिकार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, आदर भी मिलेगा। और यदि अधिकार पाओगे तो सब गलत हो जाएगा। तो सिर्फ सेवा समझ करके काम करें और मन में अच्छे विचार बना करके रखें, जो भी करना है सेवा समझ करके करना है, और जो भी सोचना है ज्ञान विवेक विचार प्रेम दया की बात सोचना है, जो खोज रहे हैं बाहर अपने आप में अनुभव हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, हम सुख खोजते हैं, हमारा सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख है प्रेम के व्यवहार में और संतोष में, अनासक्ति में और अच्छे विचार में। सेवा है, साथों के लिए प्रेम का व्यवहार है, निष्कामता है, और मन में
ज्ञान विवेक का विचार है, कहीं भी रहेंगे जीवन में सदैव आनंद की धारा बहती रहेगी। इसी जीवन में हम अपने आप को दुखों से पूरा बचा सकते हैं और इसी प्रेरणा पाने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, पर्यटन स्थल के लिए। बदलना क्या है? शरीर नहीं बदलना है, केवल मन को बदलना है। और मन बदलने का अर्थ मैंने कहा, लोभ छोड़े, लालच छोड़े, संतोष रखे, वैर विरोध छोड़ करके प्रेम का व्यवहार करे, नकारात्मक छोड़ करके सकारात्मक चिंतन करे, और अंत में क्या जाएगा ये सोचते रहेंगे, दुख से छुटकारा मिलेगा, वो परम सुख परम शांति का अनुभव हो जाएगा, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।